नमस्ते, मु श्रीमती पुष्पांजलि विश्वई लक्ष्मी नृत्य साई चौदह नंबर गली स्थित श्री विवेकानंद विद्या मंदिर आचार्य। आज मोर यह कालांशटी अष्टम श्रेणी शिशु भाई भाई लगे उद्दिष्ट। आज कालांशे आम श्री उदयनाथ षडंगी द्वारा लिखित रोगी सेवा गद्य विषय पढ़ा। गद्यटी पढ़ा पूर्व आम पूर्व पढ़ाई विषय गुड़िकर नजर पकड़ा। पाने आम पूर्व कालांश गुड़िक पढ़ी जे लेखक उदयनाथ षडंगी किभली बापा माँ सेवा शुश्रूषा करते बापा माँ जड़े पुत्र हिसाब से बापा माँ सेवा करने सहित से रोगी सेवक भाव जड़े समाजसेवी भाव खूब ना करते। आज आम से ही समाज सेवा जीवन उपरे पढ़ू। आम पूर्व कालांश पढ़ी जिते 1922 मसीह अलकाश्रम आखपाख गाँव में हईजा व्यापी लेखक से गुरु सुदर्शन प्रहराज किभली निरलस भाव लोकंर सेवा कार्य चालू रखी किभली सानिटारी इन्स्पेक्टर को धरी कू पोखर विशोधन कराते डाक्तखाना को रोगी मान आवस्था करते औषध नहीं रोगी मान खुले एपरिकी अलकाश्रम से सांगे गला बेले शुपा घाटिकी ने जहाँकि गरीब मानर अति हो एवं सुदर्शन प्रहराज जी कि गुरु थे से किभली व्यक्ति थे ना से जन बलिष्ठ कर्मठ तथा पर दुख कतर व्यक्ति थे जहाँ गुरु एभली गुरु पाखे शिष्य को फुर्सत मिलवर समय न था अर्थ लेखक मिसी निरलस भाव खटि चली था सेवा कार्य बरम ताकू पीड़ा मिलूला प्रचुर भाव मन को आनंद। वर्तमान आम परवर्त पर्याय को जी बही बाहर करवा पृष्ठ 54। सत्यवादी स्कूल रे तो रोगी सेवा पाठ्यर गोटाए अंग थिला। छोट छोट पिला देह काछुरे पुरी जाए थे सकाळे निमपत्र सिझा गरम पानी रे आचार्य महाशय निजे ताहा धोई सफा करी दियंती। कष्ट हेउथिले मध्य तांको आगरे मुह विकृत करिया को पिलामानको लाज लागे। आचार्य महाशय एभली कथा सब कही पिलांको मन को सरस कर दियंती जे काछु धुआ कष्ट से कौन जानी पारे। पिलामाने आमे पूर्व कालांशरे पढ़िथिले जे लेखक उदयनाथ षडंगी सत्यवादी वन विद्यालय छात्र थिले। सत्यवादी वन विद्यालय हेउछि सेही विद्यालय जहाँ को आमर अति प्रिय उत्कलमणि पंडित गोपबंधु दास पूरीर बकुलवन ठारे प्रतिष्ठा करिथिले जहाँकि संक्षेपर कहियाकु कले थिला एक मनुष्य कढ़ा कारखाना एवं सेही विद्यालय से समय रोगी सेवा को पाठ्यर एक अंग भाव ग्रहण कर पाने जेभली बर्तमान आम सिलेबस पाठ्य खसड़े जमी गणित गणित साहित्य इंग्राजी भूगोल जमी सब विषय अच्छी ठीक सेमती से समय रोगी सेवा को मध्य एक विषय भाव पाठ्य खसड़े जोड़ा जाता। रोगी सेवा समस्त पाने शिक्षा पाते रोगी मान को किभली सेवा करवा पाते किभली शिक्षा करुले ना से समय विद्यालय गुरुजगुरुमा बा आचार्य माने से मानंगु से विद्यालय रे थिबा समय रे किभली छोटो छोटो पिला मानंगर सेवा करिया से मानंगर देह काछुरे पुरी गेले किभली सेवा करिया ए सब विषय शिक्षा देउथिले। छोटो छोटो पिला मानंगर देह काछुरे पुरी जाइथिले से माने कोन करंदी ना निजे आचार्य महाशय एठारे आचार्य महाशय अर्थ होचंदी आचार्य हरिहर दास सी कौन करते ना सका उठी निमपत्र सीझा गरम पानी रे पाकर काछु को धोई सफा कर दिखती आनंद मन में ता करे कष्ट पा कष्ट किंतु कष्ट आगे मुह विकृत करवा कष्ट जनवाई पाला लाज लगे कहीं आचार्य महाशय काछु धोवा समय एत सुंदर सुंदर एत सरस मजाड़िया कथा कह पा मन को एत सुंदर सरस कर दे था हरस कर दे था जे पाने काछु धोवा समय काछु धोवा कष्ट कौन जापारे ना। पाड़ी अनुसार जड़े लेखाएं पिला प्रतिदिन
ରୋଗୀ ସେବା କରନ୍ତି। ଯାହାର ପାଳି ତାହାର କାମ ହେଉଛି ସକାଳେ କୋଡ଼ିଏ ଛୋଟ ଗ୍ଲାସରେ କିଛି କିଛି ନିମ ଛେଲି ବା ଚିରେଇ ତା ସିଝା ପାଣି ପ୍ରତି ପିଲାକୁ ଦେବ। ଯେତେ ବଡ଼ ଅରୁଚିକର ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କାହାରି ନ ଖାଇବାକୁ ସାଧ୍ୟ ନାହିଁ। ରୋଗୀ ସେବକ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମହାଶୟଙ୍କୁ କହିଦେବ ଯେ କିନ୍ତୁ ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁଆଏ ସେ ଦିନଟା ତା'ର ଭାରି ଆନନ୍ଦ, ସେ ନିଜେ ଖାଏ ନା। ତା କଥା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମହାଶୟଙ୍କୁ କହିବାକୁ ତ କେହି ନାହିଁ। ପିଲାମାନେ ସେଠାରେ କିଭଳି ରୋଗୀ ସେବା ଶିକ୍ଷା ପାଉଥିଲେ ନା, ରୋଗୀ ସେବା ବା ପ୍ରତିଟି ପିଲା ଯେଭଳି ରୋଗୀ ସେବା ସହ ସଂଶ୍ଲିଷ୍ଟ ହେବେ ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କରାଯାଉଥିଲା ନା, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପାଳି କରାଯାଉଥିଲା। ଯାହାର ଯେଉଁଦିନ ପାଳି ଥାଏ ସେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ପ୍ରତିଦିନ ସେ ପାଳି ଅନୁସାରେ ରୋଗୀ ସେବା କରନ୍ତି। କିଭଳି କରନ୍ତି ନା, ଯାହାର ପାଳି ତା'ର ପ୍ରତିଦିନର କାମ ହେଉଛି ସେ କ'ଣ କରିବେ ନା, ଗୋଟେ ଛୋଟ ଗ୍ଲାସରେ କିଛି ନିମ ଛେଲି ବା ଚିରେଇ ତା ସିଝା ପାଣି ପ୍ରତି ପିଲାଙ୍କୁ ପିଇବାକୁ ଦେବ। ଯେତେ ଅରୁଚିକର ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନ ପିଇବା ପାଇଁ ଆଉ କାହାରି ସାଧ୍ୟ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା, ଯଦି ସେ ନିମ ସିଝା ପାଣି ନ ପିଏ ତାହେଲେ ସେ ଯେଉଁ ରୋଗୀ ସେବକ ବା ଯାହାର ଦାୟିତ୍ୱ ସେଦିନ ଅଛି ସେ କ'ଣ କରିବ ନା, ଏ କଥାଟି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମହାଶୟଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେବ। କିନ୍ତୁ ଯାହାର ପାଳି ଥାଏ ସେ ଦିନଟା ଥାଏ ତା ପାଇଁ ଖୁବ୍ ଆନନ୍ଦର ଦିନ, କାରଣ ସେଦିନ ସେ ନିମ ପତ୍ର ସିଝା ପାଣି ନିଜେ ଖାଏ ନା, କାରଣ ତା ବିଷୟରେ କହିବା ପାଇଁ ଆଉ କେହି ନଥାନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ଏଇଭଳି ପାଳି ଅନୁସାରେ ରୋଗୀ ସେବା ବିଷୟଟିକୁ ଖୁବ୍ ଭଲ ଭାବରେ ଶିଖିଥାନ୍ତି। ପିଲାମାନେ, ଆଜିର କାଳାଂଶରେ ଆମେ ଏତିକି ପଢ଼ିଥିବା, ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳାଂଶରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ସତ୍ୟବାଦୀର ପିଲାମାନେ କିଭଳି ରୋଗୀ ସେବା ସହ ଅନ୍ୟ କେଉଁ କେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇ ରୋଗୀ ସେବା ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷା ପାଉଥିଲେ, କିଭଳି ସେମାନେ ପ୍ରତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମ୍ମାନିତ ହେଉଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।